दोस्तों, अगर आपका पानी का टैंक टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो उसको हमें बदलना पड़ता है। तो जब हम उसको बदलते हैं तो उसको हम प्लास्टिक में, वेस्ट मटेरियल में बेच देते हैं, पकवाड़ी को दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी खुली छत है या आंगन है, तो आप उसको ना बेच के, बल्कि उसको इस तरह से बीच में से कटवा के, उसके दो बड़े स्पेस, इनमें बाद में मिट्टी कचरा वगैरह भर के, आप बड़ा स्पेस आपको एक मिल जाएगा, और बड़े स्पेस वाले गमले का रूप में ये काम करेगा। तो इनमें आप इस तरह से छेद करके, इसके ऊपर छेद करिए इसमें, और इसके ऊपर फिर कंकड़ रख के, और उसके ऊपर फिर पत्ते कचरा वगैरह वो डाल दो, और उसके बाद इसमें मिट्टी भर के, और आप इसमें पौधे लगा सकते हैं। तो मेरे पास भी ऐसे ही ये टैंक है, 1000 लीटर का ये टैंक था, पूरा 1000 लीटर का बड़ा टैंक है। तो मैंने इसको बीच में से कटवा लिया। अभी फ़िलहाल मैं इसका ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको यूज़ करूँगी। दूसरा भी रखा हुआ है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो सर्दियों में ज़्यादा सब्जियों की, सर्दियों में उसको यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, इसको भरने के लिए बड़ा टैंक होता है, तो इसको भरने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मिट्टी चाहिए होती है। तो मैंने क्या किया, इसका पोर्शन आधा पहले इसमें बीच में ये एक शीट लगा के आधा इसको भर रही हूँ। पहले मैंने इसमें नीचे सूखी लकड़ी वगैरह डाल दी, फिर पत्ते डाले काफ़ी सारे, जो पत्ते मैं इकट्ठे करके रखती हूँ जो पेड़ों से झड़ते हैं, ये बाद में दूसरी तरफ का भर रही हूँ। और उसके बाद कुछ कचरा वगैरह जो इकट्ठा हो रहा था वो डाल दिया, और फिर मैंने इसमें और गत्ते कागज़ जो भी मिलते हैं वो सब डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर मिट्टी डाली, और उसमें रिवर सैंड रेत भी आपने देखा मैंने मिला दिया था। उसके बाद उसमें मैं टमाटर के इसमें पौधे लगाऊंगी, जो मेरे पास तैयार हैं आधे टमाटर के पौधे। तो जब ये मेरा आधा जो मिट्टी है वो सेट हो गई, तो मैंने दूसरी तरफ भी भरना शुरू किया। तो इसमें ये जो डिस्कार्डेड हमारे छोटे प्लांट हैं, देखिए ये जो पौधे हैं, ये भी सूखे पत्ते जो पेड़ों से मिलते हैं, वो सब इकट्ठे जो मैंने कर रखे थे, वो सारे मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये मिट्टी पूरी सेट हो गई है आधे टैंक में, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। दूसरी तरफ मैंने पत्ते कचरा और ये जो है लकड़ी वगैरह वो सब डाल दिए। देखिए पूरा, अब क्योंकि इतना बड़ा जो है, इसको इतने स्पेस को भरने के लिए बहुत सारी मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं, जो किचन वेस्ट है, जो पत्ते हैं, वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इनको थोड़ा सा इक्वल कर देती हूँ, बराबर कर देती हूँ। इसमें छिपकली आ गई, निकल गई। तो ये मैं इसको, इसके ऊपर इसमें मैं मिट्टी भर के और उस पर फिर पौधे लगाऊंगी। आपको मैं दिखाती हूँ कैसे इसका लुक आया। ये मैंने 3-4 पौधे लगा भी दिए हैं, ठीक है। ये टमाटर के पौधे हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, क्योंकि किचन वेस्ट में मिट्टी में डालती हूँ तो खुद ही टमाटर के पौधे उग जाते हैं, कभी इसके बीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इधर मैंने लकड़ी, गत्ते, पत्ते और किचन वेस्ट डाल रखा है, जो भी है वो सारे इसमें अब भर जाएंगे, भर दूंगी। इसके ऊपर से इसमें मिट्टी डाल के इसको मैं इक्वल कर दूंगी बराबर इसके, और फिर इस तरफ भी पौधे लगा दूंगी। अब देख सकते हैं कैसा इसका लुक आया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये परमानेंट पौधे होते हैं, इनको गमले में हमें रिपोर्ट भी करना पड़ता है जो बड़े टाइम तक, और इनकी जड़ों को स्पेस कम मिलता है, जबकि इसमें स्पेस ज़्यादा मिल जाता है जड़ों को, तो इसमें ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ये मूली के पौधे भी इसमें हो गए, और टमाटर के आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे इसकी इस टाइम चल रही है। तो ये टमाटर के पौधे इसमें हेल्दी हो रहे हैं, तो इनको बड़ा, इनकी जड़ों को ज़्यादा इसमें स्पेस मिल जाता है, इसलिए इसमें ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। और फिर छोटे छोटे बहुत सारे गमले बनाने की बजाय आप इसमें एक में ही कई सारे पौधे लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल होगा।